सपने तो देख लेते हैं कि कुछ बड़ा करना है, गरीबी को मिटाना है, अपने और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनना है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए जब उसकी कीमत चुकाने की बारी आती है तो वहीं से बहानेबाजी शुरू हो जाती है। तैयारी करने से पहले तैयारी करने के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में सोचने लग जाते हैं और बड़े सपने कब छोटे में बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। देखो, रास्तों में आने वाली रुकावटें, समस्याओं के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन उस समस्याओं का सामना किए बिना हार मान लेना गलत बात है। मान लो आपको नदी पार करना है, तो क्या सिर्फ किनारे पर बैठकर सोचने से आप नदी पार कर जाओगे? नहीं, उसके लिए आपको तैरना सीखना ही होगा, नदी में छलांग लगाना ही होगा। अगर ऊपर उठना है तो गिरने का भय हटाना ही होगा। अगर चाहते हो बाज की तरह उड़ान भरना, तो आपको बाज की तरह संघर्ष करना ही होगा। मुझे एक बात बताओ, असफलता किसे कहते हैं? हार का क्या अर्थ होता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, हार का अर्थ होता है सीखना। हम सीखने के लिए ही हारते हैं। हार आपको एक्चुअल में अंदर से मजबूत और बेहतर बनाती है। बस शर्त यही है कि हार से कुछ सीखा जाए, अपने अंदर की खामियों की तलाश की जाए, जहां सुधार की गुंजाइश हो वहां सुधार की जाए। क्योंकि जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उसे सुधारने की कोशिश करता है। अरे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप हार जाओगे, लोग बुराई करेंगे, यही ना? तो एक कड़वी बात भी सुन लो, चाहे आप कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो करेगा ही,